कराची में 2022 के दौरान तख़रीबकारी के चार बड़े वाक़यात में 6 अफराद जान बहक और 23 जख्मी हुए। अदनान राजपूत की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कराची में दहशतगर्दी का नासूर 2022 में भी ख़त्म ना हो सका। एक साल के दौरान एक खुदकश हमला और दो प्लांटेड बम धमाकों में 6 अफराद जान बहक और 22 अफराद जख्मी हुए। छब्बीस अप्रैल को जामिया कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब खुदकश हमले में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद की जान गई। दहशतगर्दी में सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। 12 मई की शाम अमन दुश्मनों ने बारूदी मवाद से नज़्ब साइकिल सदर रोड पर पार्क की। इस धमाके में एक शख्स जान बहक और 13 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दी में दर्जन से जायद गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। सोलह मई को खारादर में दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। वाकये में राहगीर खातून जां बहक और 3 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए। 28 सितंबर की शाम मुसल्ला हमला आवर ने सदर में डेंटल क्लिनिक पर फायरिंग करके पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की को कत्ल किया, जबकि मियां बीवी जख्मी हुए। पुलिस हुकाम का दावा है कि दहशतगर्दी के तमाम वाकयात को मुंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया है। यकुम अक्टूबर को नॉर्दर्न बाईपास जंजाल गोड में दहशतगर्दों से सीटीडी का मुकाबला हुआ और दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कार्रवाई में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। अदनान राजपूत, K21 न्यूज, कराची।